जा रही है। चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा, हर कोई इसके महत्व को जानता है। और क्यों ना हो, यही पूजा इनके जीवन को कष्टों और बीमारियों से मुक्त जो रखती है। Khairai, it is a mythological term itself. Khair means to kneel down, to pray God. Ra means to pray to God. E means God or Ishwar. Khairai, we can classify it into two. One is worship Khairai, another is folk Khairai. बोरो जाति में नृत्य को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। खेराई पूजा के समय कम से कम 18 प्रकार के नृत्यों को लोगों के सामने दर्शाया जाता है और अलग अलग नृत्यों द्वारा अलग अलग देवताओं को गांव में आने का निमंत्रण दिया जाता है। बोरो की ये नृत्य शैली देवधनी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। The Khairai dances are very significant. These are very meaningful, and these dances have sprouted. These dances have evolved from the dance of the Daudini, dance of the female Saman. And in the present day context, the role of the Daudini has been relegated to the background, but the Khairai dance has developed as an art form in the present day context, although it is still performed in the ritualistic context also. Khairai Devi ke pratirup ke darshan ka saubhagya tabhi mil pata hai jab ekatrit roop mein sara gaon Khairai Devi ka vidhi vidhan se anushthan karta hai. Ye avsar ek saal mein 3 baar aata hai. January ki aadhi purnima ke din palo Khairai par, aashan mahine ki umrao Khairai और जून जुलाई की अंबुवाशी खेराई पूजा पर। There are 3 to 4 different types of Khairai. One is known as Asu Khairai, then Sali Khairai, and then Umrao Khairai, performed in different seasons. One performed in the month of Kati, then another performed in the month of Magh or Falgun, and another performed in the month of Asar during the time of the Ambubasi, and another performed annually or occasionally whenever the situation demands for the well-being of the members of a family. That is known as Nuauni Khairai, or the Khairai performed by a particular family. तीनों खेराई पूजा के साथ एक और पूजा भी है, जिसे नाउनी खेराई कहते हैं। ये पूजा प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर करता है और इस पूजा का मूल आधार है घर में खुशहाली और किसी भी प्रकार के रोग से बचा। घर में सुख संपत्ति बनी रहे इसके लिए प्रत्येक सदस्य अपने घर में नाउनी खेराई की स्थापना करता है। खेराई पूजा बोरो लोगों की एक विशिष्ट पूर्ण पूजा है। इसकी स्थापना खुले आंगन में गांव के बीचों बीच होती है। The Khairai puja is performed for the well-being of the crops and the well-being of the community. For the well-being of its members of a family in a particular society. सदियों से चला आ रहा ये विशेष उत्सव 3 से 7 दिन तक मनाया जाता है। ये पूजा एक शुभ दिन पर ओझा या गांव का पुजारी संपन्न कराता है और गांव के सभी लोग दिन रात इस महोत्सव को भक्ति भाव से मनाते हैं।
Khairai is a festival, and at the time of not only worshipping but dance, music, and so many ceremonies are connected with Khairai. Khairai festival is therefore regarded as the national festival of the Indo-Mongoloid Boro people. सर्वप्रथम वेदी को एक स्वच्छ स्थान पर बनाया जाता है। वेदी को चारों ओर से पांच कोनों में बांस की पतली खपच्चियों द्वारा सजाया जाता है। पवित्र सिजू को वेदी के बीच में रखा जाता है। वेदी को स्वर्ग से धरती पर आने वाला द्वार और कभी-कभी मनुष्य को ईश्वर से मिलाने वाली कड़ी का रूप भी माना जाता है। सिजू के साथ ही वेदी पर एक कलश में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं और सामने अलारी बत्ती जगाई जाती है। पूजन सामग्री में एक गोल पत्थर, एक जोड़ा मुर्गी का अंडा, चावल के चूरे से भरी थाली, पान के पत्ते, सुपारी, सिंदूर, कई प्रकार के फल व फूल, इसके अलावा दो कटोरी धान में अगरबत्तियां भी जलाई जाती हैं। चावल की थाली और धान का महत्व इसलिए है क्योंकि चावल इन लोगों का प्रमुख खाद्य है और धान अन्न का प्रतीक है। बाथव बराई के पांच रूपों के लिए पांच हिस्सों में पूजन सामग्री व नैवेद्य रखा जाता है और उसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का हिस्सा भी रखा जाता है। खैराई देवी की पूजा बिना ओझा और देवधनी के सफल नहीं हो सकती। खैराई पूजा बा खैराई बाथू पूजा देवदिनी तो ईश्वर बा भगवान तार आत्मा जुगाजुग होय हे कारण तेखले भाग पाटल होसिना नाय हेब्लक तेखले दुखाय दिबो पारे हे कारण आगो दिनत खैराई पूजा देवदिनी तो कर्तव्य आसिल तेखले लागिसिल आरो दुदिनी। देवधनी एक महाभक्तिन कुमारी होती है जिसमें देवी प्रकट होती है। गांव के ओझा ही पूजन की पूरी विधि आरंभ कराते हैं और देवी देवताओं को पूजन स्थल पर आने का निमंत्रण देते हैं। ओझा खैराई देवी से प्रार्थना करता है कि हे जगत माता, हम अज्ञानी हैं, तुम ही सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण करने वाली और संहारिता हो। हे दयानिधान, हम पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखो। ओझा की प्रार्थना सुन देवी माँ देवधनी के देह में समाने लगती हैं। खैराई माँ के तेज के कारण देवधनी मूर्छित हो जाती है। In a traditional way of worship, the Daudini occupies the most important place. She is the female shaman who tells the future of crops, who tell the fortune of the people, of the village, of the concerned community, and about the good days or bad days to come. And the Daudini plays the role of a mediator between the mundane world and the world of spirituality. It is through the Daudini that the
prayers are offered, the offerings are done through the Daudini. पवित्र जल का फूलों से छिड़काव करता है। देवी प्रसन्न होकर खड़ी हो जाती है और बाथव बराई के समक्ष लंबी नंगी तलवार उठाकर नृत्य करने लगती है। पूजा में तलवार बहुत ही अनिवार्य होती है। वाद्य यंत्र जैसे खाम, सिंबल, बांसुरी का भी बहुत महत्व है। इनके अभाव में खेराई पूजा नहीं हो सकती। इसके बाद देवधनी कृषि की रक्षा हेतु वेदी के आसपास कई चक्कर लगाती है। हाथ की तलवार जमीन पर पटक पटक कर खदेड़ने का इशारा करते हुए नृत्य करती है। इसका अर्थ है कि देवी माँ देवधनी के रूप में कृषि या फसलों को बुरी हवाओं या बुरी आत्माओं से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं। देवधनी के रूप में देवी माँ के प्रकट होने की एक दंत कथा भी प्रचलित है। There was a old man whose name was Jarafagla. Jarafagla. He had 7 sons. He married all his sons, but he particularly, the wife of the youngest son was loved by him. So he was so loved her that one day she fled away to escape from his love, and the old man. Walking in search of the daughter-in-law. That he was so tired that he fell down under the big tree. At that moment, Bathau Sibrai came and he told him that he should worship Bathau Sibrai along with a dance, and in that dance, his daughter-in-law would come, and accordingly, he did. They did the worship, and performed the dances, and he according to the advice of Bathau Sibrai, and his daughter-in-law came, and from that onward. The tradition of Bathau Khairai worship was started. Chaitrali Nritya, Ranchan.